मैंने कहा देखें ये इंटरव्यू वायरल होगा और शादियों की ऐसा नहीं, नहीं, नहीं होगा नहीं। 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 नहीं हो कि बीवी उसकी एक होगी और दोस्तिया उसकी बहुत सारी खुफिया होंगी घर में रहती नहीं मैं नहीं रह सकता नबी की सिर्फ एक सोचा कमारी बाकी सारी शादियाँ आपकी तलाक याफ्ता और बेवा ऐसे तो तीन जो सब बीवियाँ हैं उनकी एक साथ ट्रैवलिंग करता नहीं दो तीन दफा की है तो फिर मैंने जल्दी से सफर <laughs> का, का खत्म करवाया लेकिन मोहब्बत एक अलग चीज है शोहर की चाहत का ख्याल करना है एक अलग है। सफर में भी बराबरी करता हूँ जैसे एक आ... आगे कौन बैठता हाँ ये बहुत सवाल। <laughs> जो आपका क्वेश्चन है अबाउट सेकंड मैरिज देखे उसमें यह है जो सबसे बड़ी बात जिसको मैं, मैं समझना चाहती हूँ अगर एक एक खातून का दिल खराब होता है क्योंकि औरत जो है ना वो शेयर मुश्किल से करती है किसी भी चीज़ को खावन को शेयर करना तो बहुत बड़ी बात है जी, जी, जी. तो उसके लिए अजर भी बहुत बड़ा होगा अगर जी. वो अपने दिल को मार के अपना जो खावन है वो शेयर कर रही है तो उसका अजर भी उतना ही बड़ा होगा जी. लेकिन ये एक मुश्किल काम है जी. और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के मुआरे में चूंकि आप खुद देखें कि लाहौर में तलाक का जो रुझान है बहुत बढ़ गया आई थिंक इट इज मोर एटी ईयर और वो उसकी वजह ये है कि खात जो है वो बेसिकली अपने एक दफा हजरत अली आप के पास, उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ उन्होंने मुंह फेर लिया फिर आए गए दूसरी शादी करना चाहता हूँ उन्होंने फिर मुंह फेर लिया फिर आए तो उन्होंने कहा अली फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है इतना गहने के बाद हजरत अली रजी तला ने हजरत फातिमा रजिला की जिंदगी में दूसरी शादी की बात नहीं की तो इसका मतलब है कि दिल टूटता है तो इसका मतलब यही है कि दूसरी शादी जी, somebody, जी, and, uh, मैं तो कहती हूँ वो जो औरतें जो अपने हस्बैंड्स को अल्लाह की रजा के लिए या किसी खातून की जिंदगी बचाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए इजाजत देती है वो तो बड़ी नेक है बहुत बड़ा दिल चाहिए इस बात नहीं जो मेरा क्वेश्चन था अच्छा खैर आपने तो दूसरी शादी ही से शुरू कर दिया <laughs> ये तो मैंने लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना था आ, लेकिन अब पूछ कर ली बात आपने तो इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं हज़रत फातमा रजी अल्ला की आपने मिसाल दी हजरत खदीजा की मिसाल दी इस मिसाल से तो खुतिन डी मोटिवेट होंगी ना कि हजरत खदीजा से बड़ा किसका मकाम हो सकता है हजरत फातमा से बड़ा तो जब वो अपने शोहर की शिरकत बर्दाश्त नहीं करती तो हम क्यों अपने मियाँ को दूसरी शादी करने दें लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजरत अली ने हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद चार शादियां की हैं। और रसूल वसलम ने हजरत खदीजा के इंतकाल इंत्खा... के बाद एट अ टाइम नौजवा रखी है और जाहिर है पैगम्बर का आखिरी अमल देखा जाएगा जैसे हजरत खदीजा से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी तो आपको हजरत आयशा से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी लेकिन उसके बावजूद आपने कई शादियां की सोसाइटी मगरब में जहाँ एक बीवी का रिवाज है और खुफिया कई दोस्तियां होती हैं तो आप क्या समझती हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में मर्द को दूसरी शादी पे पाबंदी लगाई जाए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बीवी उसकी एक होगी और दोस्तियां उसकी बहुत सारी खुफिया होंगी so दूसरी शादी शादीबल टास्क uh, है एक ऐसा काम है जो वो कर सकते हैं लेकिन अगर कोई इंसान सीधा चल रहा है अपने बीवी के साथ पूछा यू शुड नॉट मैरी बट इफ समबडी उसकी बाकी गर्ल है या कोई एक गर्लफ्रेंड जो बड़ी क्लोज है अच्छा वैसे कभी आपने अपनी बेगम के बारे में नहीं बताया वो वो आपसे अगर आप दूसरी शादी का क्या मेरी मेरी तो तो शादियां हुई भी हैं कोटा पूरा है अच्छा अच्छा इसलिए मशहूर है ये तो बुरी बात है ना शादियों की वजह से कोई करते हैं ना तो घर में रहती है नहीं फिर मैं नहीं रह सकता उधर में, में रहेंगी तो मेरे लिए रहना मुमकिन नहीं है अच्छा नहीं। आपस में उनके कैसे बस रिजर्व है ना कोई बहुत अच्छे है ना कोई लड़ाई झगड़ा तो है। ऐसा होता है जब आप किसी बेगम के घर में जाएं तो दूसरी वाली जो बेगम हो उसके घर में ज्यादा आपको क्या लगता है जब आप अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह आपसे क्वेश्चन का जी आप बैलेंस कर चुके हैं देखिए कोशिश करता है ना इंसान ये तो दावा करना बहुत मुश्किल होता है जैसे अल्लाह मुझसे नमाज के बारे में पूछेगा तो मैं ये तो नहीं दावा करता कि मैं पूरा क्लियर हूँ नमाज में मैं कहूँगा अल्लाह जो मुझसे हो सका मैंने नमाजा नाम नीऐ ऐसे ही अदल के बारे में भी मैं कहूंगा अच्छा, अल्लाह मुझसे जितना बराबरी हो सकी अदल हो सका हुकूक की अदायगी हो सकी मैंने कोशिश की अच्छा मैं आप नाम ना लीजिएगा लेकिन मुझे आपने दिल से बतानी सच्ची सच्ची बतानी चारों में से कोई एक है जो दिल के बहुत ज्यादा करीब है Hmm. ये सवाल ऐसा है जब समर टीवी में जब मेरा इंटरव्यू आया था ना तो किरण नास्त उन्होंने पूछा था मैंने कहा देखें ये इंटरव्यू वायरल होगा और मैं पकड़ा जाऊंगा <laughs> बच्चों में भी होता है जिसके ज्यादा ज्यादा अच्छे हो, जो आप जो आपसे आपकी केयर करती अखलाती मोहब्बत होना अलग चीज है आजकल बेगमात मोहब्बत के दावे तो करती हैं और होती भी है हमारी सोसाइटी में अलहदुल्ला जो हमारा माहौल है उसमें हमारी खुवान अपने शोरों से टूट के मोहब्बत करती हैं जो बहुत एक पॉजिटिव हमारी सोसाइटी का एक ये एक पहलू है लेकिन मोहब्बत एक अलग चीज है शोहर की चाहत का ख्याल करना एक अलग चीज है यानी आप अपनी शर्तों पर मोहब्बत करें ये नहीं है आप सामने वाले की शर्तों पे मोहब्बत करें जैसे मैं लोगों से कहता हूँ जब मेरा कहीं बयान होता है तो मोहब्बत में लोग टूटते हैं सलाम करने के लिए सेल्फियां लेने के लिए उसमें इतना टाइम लग जाता है एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा -डे के डिप्रेशन में जाने लगता है आदमी तो मैं कहता हूँ ये लोगों की जो मोहब्बत है ये इनकी शर्तों पर है दावत खाना खाने पर जबरदस्ती फोर्स करते हैं लोग कि आपने हमारे खाना है पेट भरा हुआ है भाई मैं खा के आया नहीं खा सकता लेकिन वो, वो तो मोहब्बत में खिला रहे हैं लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस मोहब्बत से सामने वाले को फायदा हुआ मैं एक मिसाल देता हूँ अंधी के बच्चा हुआ चूम चूम के मार दिया उसने एक अंधी औरत थी उसके जब बच्चा हुआ ना तो चूम चूम के मार दिया तो मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत भी जरूरी है उसके साथ ये भी जरूरी है कि ये देखा जाए कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसकी सहूलत किसमें तो जाहिर है जब शोहर की ज्यादा बीवियां होंगी तो वो जो ज्यादा उसकी केयर करेगी जो उसको ज्यादा सुकून देगी तो दिल उसकी तरफ ज्यादा माइल होगा ये तो एक एक गैर इख्तियारी चीज है लेकिन, लेकिन, आप उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में नहीं नहीं दिखाने देते, नहीं, दिखाने देते नहीं, मेरी मेरी आदत है मैं अपनी बीवियों को सफर में भी बराबरी करता हूँ जैसे एक आगे कौन बैठता है ये बहुत अहम सवाल मैं कोशिश करता हूँ फ्रंट सीट पे ना अपनी फर्स्ट वाइफ को बैठाऊंगा क्योंकि वो सबसे सीनियर है तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रंट सीट पे वो बैठे वैसे तो तीन यानी जो सब बीवियां हैं उनकी एक साथ ट्रैवलिंग करता नहीं हूं मैं अच्छा। दो तीन दफा की है तो फिर मैंने जल्दी से सफर <laughs> का खत्म करवाया कि जल्दी <laughs> से मैं घर आऊं। तो कभी ऐसा हो गया जैसे हमारे किसी करीबी रिलेटिव की शादी है तो उसमें तो सबने जाना है तो फिर कोशिश ये करता हूँ खुवा तो नहीं आप... नहीं की जंग में ना अगर आपने दलाइल से समझाना शुरू कर दिया तो क्यामत आ जाएगी इमाम मेहदी आ जाएंगे दज्जाल आ जाएगा क्यामत की तमाम निशानियाँ पूरी हो जाएंगी आप मर जाएंगे आपके बच्चे आपके पोते आपके नवासे पैदा होके बड़े होके उनकी शादियाँ उनकी औलादें लेकिन आप समझा नहीं सकते ये मेरा तजर्बा है उसका तरीका यही है कि आप दोनों को अलग अलग कर दे जैसे सास बहू के जब झगड़े होते हैं ना तो मैं कहता हूँ भाई बीवी को अलग रखो अपनी वालदा से ये नहीं निपटाए जा सकते तो वो बिल्कुल उनको यही है कि सेपरेट यानी हमारे दौर में दूसरी शादी तो... करनी चाहिए आजकल कर के दौर में लोगों क्यों नहीं करनी चाहिए आप तो बताए ना कि कितनी बुराइयां फैल रही हैं आपने खुद अभी बताया लाहौर में तलाक का रेशो कितना ज्यादा बढ़ गया ये तलाक याफ्ता खातन कहाँ जाएंगी कौन यानी कैसे इनको आप इसका क्या हाल है आपके पास तो ये तो एक सोसाइटी की नीड है ना लेकिन बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता ना ये अल्लाह के आगे जवाब दे देखें ये बात दुरुस्त है कि बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता लेकिन बहुत सारे और भी काम है हर बंदा नहीं कर सकता देखें निछा निछा ये बात दुरुस्त है कि बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता लेकिन बहुत सारे और भी काम है हर बंदा नहीं कर सकता लेकिन जब वो सोसाइटी की नीड बन जाती है जरूरत बन जाती है तो हर बंदे को उसके करने की तरगीब दी जाती है कि ये कहा जाता है कि आपने करना है अच्छा एक जरूरी सवाल जब आपकी पहली शादी और आपने दूसरी का इन्फॉर्म किया अपनी पहली बेगम को तो उन्होंने आपसे लड़ाई की हाँ, लड़ाई की और जब दूसरी के लिए तीसरी को किया फिर भी कोई एक शादी भी सुकून से नहीं किया आपने। तो आपने था। तो आपने अभी बताया था नेचुरल है हाँ। औरत तो नहीं चाहती अपने तो मनाया बस मैं मनाने की कोशिश की उसमें कामयाब नहीं हुआ बस फिर अपनी जिद कर ली नहीं जिद नहीं कह सकते आप देखें एक तो मैंने तो इसको सोसाइटी में मैं प्रोमोट करना चाहता हूँ जिन खतन की शादी हो गई है वो तो अच्छी लाइफ गुजार रही है जिनकी नहीं हुई है उनका क्या होगा तो सवाल अच्छा, तो आप, ये पैदा होता है ना कि उन उनके लिए सोसाइटी के पास हल क्या है जो आपने बाकी शादियां की हैं ये बताइए कि वो मुस्तक थी आपको उनकी जरूरत थी आपने अपनी पसंद से की देखे पसंद कभी दखल है इसमें जरूरत कभी दखल है अच्छा उनकी जरूरत मैं था मेरी जरूरत वो थी आपने वो बेवा मतलिका से हाँ, शादी? मेरी दो वाइफ पहले से तलाक याफ्ता है लेकिन वो कोई नहीं करता वो माशाल्लाह उनमें कोई खराबी नहीं, 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 कोई नहीं, कमी लेकिन नहीं। है लेकिन अच्छी बात है तो वो वो भी सुनती है ना वो कह रही है आप तलाक याफ्ता बोल रहे हो तलाक एक देखिए मैं एक दफा तो किसी को भी हो सकती है ना इट सो रॉन्ग हमें डरना चाहिए और हमारी नबी की सिर्फ एक सौ थी बाकी सारी शादियां आपकी तलाक़ याफ्ता और बेवको दी गई तो हमारे लिए तो इस्लाम में एक बेहतरीन एक नमूना है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में माशा बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जज्बात और मुझे खुद बड़ी मोटिवेशन मिल रही है है ना ठीक है ना कि हम तो सारा दिन मस्जिदों के माहौल में रहते हैं मदरसों में रहते हैं कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं तो हमारे लिए तो दीन पे चलना शायद इतना मुश्किल ना हो फिर भी हम ना चलें तो अल्लाह हमसे पूछेगा और आप इस माहौल में भी माशाल्लाह दीन को फॉलो कर रही हैं और मैं आपके यहाँ किताबें देख के हैरान हो गया आपके जज्बात माशाल्लाह दीन के बारे में तो बहुत खुशी हुई और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमारी जो लड़कियाँ जो लिबरलिज्म की तरफ जा रही हैं तो मॉडर्निजम की तरफ जा रही हैं उनको भी एक मोटिवेशन और मैं आपके लिए दो कैलीग्राफीज हैं जी, जी।